morning, everybody. It's your boy Danny Zihan back at it again with a new video, baby. Hey, what's up, Shadi? Alright, so hey guys, morning, everybody. It's your boy Danny Zihan back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up, everybody? It's your boy Danny Zihan back at it again with a new vlog, baby. Alright, so hey guys, what's up everybody, welcome back to another video. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का जो हम लोग का वीडियो है वो कम्प्लीटली दानिश के बारे में. मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं दानिश के फ़ोन के बारे में या दानिश के फ़ोन के अंदर की चीज़ों के बारे में आप लोगों से क्या शेयर करूँ, क्या नहीं करूँ, आप लोग क्या चाहते हो. तो जो लोग इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से इंस्टाग्राम पर, वो लोगों को आज मौका मिलेगा यहाँ पर फीचर होने का. एंड जो लोगों को अभी तक मौका नहीं मिल पाया, या अगर अभी आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो गाइज मेक श्योर ये हम लोगों का इंस्टाग्राम आईडी है, एक रियल दानिश जहन दानिश का, एक रियल गुफरान जहन मेरा. सो आप यहाँ पर हम लोगों को फॉलो कर सकते हो. एंड जो भी हम लोग की अपकमिंग स्टोरीज, गिव अवे, जो कुछ आएगा कल से, जो मेरा डेली व्लॉगिंग का जो थिंग था वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. आप लोगों ने बर्थडे का व्लॉग देखा होगा, वेरी हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, हमने मेरे बाल कटवा दिए, जो भी था एक्स वाई जेड. मगर अभी हम लोग की कंटिन्यूटी दोबारा आ जाएगी, बिकॉज दो महीने का मैंने गैप लिया था. वेरी हम लोगों ने दानिश की एक जो वीडियो बनाई थी, तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को. तो उसमें हम लोगों ने BTS शूट भी किया, मगर हम लोग आपको वो सब दिखा नहीं पाए. सो हम लोग मेक श्योर करेंगे 16th मार्च में हम लोग अगर ऐसा कुछ करें तो ज़रूर आप लोगों को BTS दिखा पाए. एंड फॉर श्योर अगर सब कुछ सही चला तो 16th ऑफ मार्च को आप लोगों को कुछ बहुत ही डोप दिखने मिलेगा. एंड विल मेक श्योर कि हम लोग आपको गूज बम्स लेकर आ जाएँ. सो गाइज बिना ज़्यादा टाइम पास किए हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं. एंड लेट्स गिव चांस टू पीपल दोज हु हैव आस्क क्वेश्चंस फॉर देमसेल्फ. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जेड मास्टरमाइंड जेड, बर्थडे वाली वीडियो दानिश की जो हम लोगों के साथ सेलिब्रेट किए थे. तो जेड मास्टरमाइंड, आई डोंट नो आपका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, देखने के बाद भी नहीं जानता हूँ. मैंने आपके प्रोफाइल में जाकर ये भी देखा है कि आप दानिश से मिले हो, ठीक है, एंड दानिश के दोस्तों से भी मिले हो, तो मैंने ये भी सब चीज़ें देखी है. तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि आप दानिश के किसी को ये हो कि बदवे शायद 2017 में या 18 में आप दानिश के साथ थे, दानिश के बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पे. 2018 का दानिश का जो बर्थडे वीडियो था वो अभी यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो गाइस, जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें. भाई अगर आप हो तो ये वीडियो मेरे पास है, इसमें अगर आप नहीं हो तो ये वीडियो हम लोग के पास नहीं है. वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दिख चुका होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वायरल है, तो ज़रूर होगा ये वीडियो. देन सेकेंड क्वेश्चन है भावू _07, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर. तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, दानिश का होम स्क्रीन ये है, ये पहले से ऐसे ही है. दानिश को अपनी पर्सनल चीज़ों में बेसिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इसका, ये यहाँ पे भी ये पूरा बेसिक ही है, ठीक है. इसके अलावा दानिश के पास एक फ़ोन और रहता था हमेशा, वो बैकअप में रहता था. तो उसमें अगर वो, जैसे कि मैं रखता हूँ, मतलब मेरा एक फ़ोन है जो मैं पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए, और एक जो मेरा फ़ोन है ये सिर्फ शूट के लिए, पिक्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो भी एक्स वाई जेड रील्स तो मैं बनाता नहीं, टिकटॉक था वो टाइप पे दानिश बनाता था, तो वो उसके लिए रहता था. तो उसमें वो सब कुछ करता था, तो वो थोड़ा सा फंकी रहता था, उसमें कवर भी अलग रखा था, वहाँ पर फैम प्रो लिखा हुआ रहता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी. सो दानिश का होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर एकदम बेसिक है. ओके भावू 07, थैंक यू वेरी मच. सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेलक्का. ओके, हिज लास्ट वीडियो इन द कार. सो कार, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ गाइज. एक्चुअली मैं आप लोगों को गाइज एक बात बता दूँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार मेरी वीडियोज़ में बताया, जब मैंने दानिश के फ़ोन को प्रॉपर्ली गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि दानिश का जो वीडियो था जिसमें दानिश सखिया गाने पर टिकटॉक बनाया था, लास्ट उसका टिकटॉक जो था, वो दानिश जब शादी में जा रहा था वो तब का टिकटॉक था. सो दानिश का लास्ट वीडियो ये वाला था जो कि अभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है. एंड सैला का आपको आपके क्वेश्चन का आंसर या आप जो चाहते थे वो आप लोगों को देखने में. सो थैंक यू वेरी मच. नाउ आर्या बैड ड्यूड, दानिश एंड हिज मदर्स फोटो टुगेदर. ओके, सो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरी मम्मा का एंड दानिश का फोटो. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम अकीला डॉट शाह. सो अकीला डॉट शाह, एक्चुअली नाउ आई नो यू बिकॉज मैंने आपका DM देखा था, यू आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड आपको टी शर्ट चाहिए था, मर्च चाहिए था. सो आपका क्वेश्चन है कि हिज फनी फोटोज. ओके, सो ये भी आपको यहाँ पर देखने मिल रही होगी, दानिश की फनी फोटोज एंड
ज़्यादा ही फनी है. सो थैंक यू वेरी मच अकीला. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रशांत 0021 हिज लास्ट वीडियो मेक बाय हिम इन हिज फोन. ये मैंने मेरी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, मगर अगेन प्रशांत आपको आंसर करते हुए मैं बता दूँ कि दानिश के फ़ोन में उसने ली हुई उसके हाथ से ये वाली लास्ट वीडियो है. सो थैंक यू वेरी मच. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रतीक्षा _4. आई वुड लव टू कॉल माई सेल्फ फ्रॉम हिज फोन. आई डोंट नो, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. आप चाहते हो कि मैं आपको कॉल करूँ, मैं आपसे बात करूँ, तो मैंने ऑलरेडी आपको DM किया है आपके नंबर के लिए और अभी हम लोग आपको कॉल करेंगे. सो लेट्स सी आपका रिएक्शन क्या होता है. ओके प्रतीक्षा, सो मैं आपको एक्चुअली कॉल कर रहा हूँ दानिश के फ़ोन से नहीं, मेरे फ़ोन से, मगर नंबर दानिश का ही है. आई होप मैंने आपकी रिक्वेस्ट रखी है, इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी प्राइवेसी को बरकरार रहोगे. एंड नाउ वी आर कॉलिंग यू अप. सो ये प्रतीक्षा को कॉल लग रहा है, मैं नंबर नहीं दिखा सकता आप लोगों को. ऑलमोस्ट एक बार ऐसा किया है, तो जिन लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा लेट्स सी. या हाय प्रतीक्षा. हेलो सर. या हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप कहाँ से बोल रहे हो प्रतीक्षा? औरंगाबाद महाराष्ट्र. औरंगाबाद महाराष्ट्र, अच्छा. Yes. आपने मैसेज किया था ना कि मतलब क्यू एन ए पे डाला था कि आई वुड लव टू कॉल माई सेल्फ फ्रॉम हिज फोन, ठीक है. तो मैं एक्चुअली आपको दानिश के फ़ोन से कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरे फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ, मगर ये नंबर दानिश का है. सो प्लीज़ मेक श्योर ये नंबर किसी को देना नहीं, ठीक है. मैंने आपकी रिक्वेस्ट रखी है, तो आप भी मेरी प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ठीक है. क्या करते हो आप? टेंथ क्लास में हूँ, स्टडीज. अच्छा, और दानिश की वीडियोज़ देखते हो? Yes, मेरी देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं नहीं चलेगा. मेरी वीडियो देखो नहीं देखो, मगर कल हम लोग ने एक वीडियो डाली थी गूज बम्स की मेरे चैनल पे, गुफरान जहन करके एक चैनल है यूट्यूब पर, तो उसको जरूर देखना, ठीक है. फिर तुम स्टोरी रखना, मैं तुम्हारी स्टोरी को स्वाइप अप दूंगा, ठीक है. चलो टेक केयर, बाय. और नंबर प्लीज किसी को देना नहीं, ठीक है. चलो बाय, टेक केयर, बाय. सो गाइज ये प्रतीक्षा का रिएक्शन, और विल मेक श्योर इसके बाद अगर ऐसा कोई मौका आया, अगर हम लोगों ने क्यों नहीं किया, या अगर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि इसके बाद मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप कॉल रखूँ, मतलब वीडियो कॉल. सो वेर इन हम लोग रिकॉर्ड कर सके उस कॉल को प्रॉपरली, हम लोग आपको शो कर सके, एंड जो फीलिंग्स है वो सिर्फ ऑडियो पर नहीं रहे, आप लोगों को वीडियो पर भी पता चले. ओके सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स फ्रॉम इट्स नेस्टेक्स. एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, गैलरी एंड नोट्स. सो गैलरी में आप लोगों को दानिश की प्रॉपरली दिखा नहीं सकता गाइस, मतलब वो इस फ़ोन में है, मगर इसमें कुछ प्राइवेसी भी है. सो गैलरी का मैं बस एक स्क्रीनशॉट, एक दो स्क्रीनशॉट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने डाला है, वो भी जस्ट बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया इसके लिए. एंड नोट्स, मगर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद दानिश उसके ऊपर रैप लिख रहा था, या फिर वो अपने लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था, या आप लोगों से शेयर करना चाहता था, शायद वो कर नहीं पाया, मगर उसने उसको जॉट डाउन करके रखा था अपने नोट्स में. तो वो स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, वो भी आप लोग देख सकते हो, उसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज है, ये आप लोग पढ़ सकते हो. एंड सो थैंक यू वेरी मच इट्स निस्टेक्स, आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग शायद सुधर जाए ये पढ़कर. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स आई एम शशांक राजपूत. दानिश की कोई टू डू लिस्ट नहीं थी, दानिश खुद ब खुद एक लिस्ट था. देन दानिश के लास्ट फ़ोन कॉल्स मैं तुमको दिखा नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर मैं इस फ़ोन को यूज़ कर चुका हूँ. एंड दानिश का शेड्यूल, वो दानिश को खुद नहीं पता था कि दानिश का शेड्यूल क्या है, तो मैं आपको क्या बताऊँ. टू डू लिस्ट कभी थी नहीं, जो उसके सामने आया वो कर बैठता था, सेम उसका शेड्यूल भी कुछ नहीं था. जो ऐसी लाइफ चल रही है वो मूव ऑन करता था वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, लोगों के साथ साथ. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हर्ष. स्नैपचैट गैलरी, भाई तुम लोग ये सब चीज़ें मत पूछा करो, फिर भी स्क्रीनशॉट देख लो, स्क्रीनशॉट से दिखा सकते हो, बिकॉज ये कुछ दानिश की अनसीन मोमेंट्स है जो मैं चाहता हूँ मैं मेरे पास रखूँ, या जब भी हम लोग दानिश के लिए कोई नई चीज़ें लाए, दानिश के लिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, उस चीज़ों पर हम लोग आपको कुछ नया नया हमेशा दिखा सकें, एंड दानिश की यादों को आप लोगों के बीच में जिंदा रख सकें. एक ही बार मैं सब कुछ दिखा दूंगा, तो आई होप आप लोग भी समझ सकते हो कि आप लोगों को मज़ा नहीं आए. सो थैंक यू वेरी मच. आई एम हर्ष. DZ फैमरो आर्मी, हाउ मेनी अलार्म्स डिड दानिश हैव? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ, जीरो.
दानिश को अलार्म और ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, उसको खुद के टाइम पे सोना और खुद के टाइम पे उठना पसंद था. सो थैंक यू वेरी मच. नाउ स्टेरॉइड अंडरस्कोर 65, एनीथिंग ही लिफ्ट फॉर हिज फैम्ब्रो आर्मी इज, उसने इतना बड़ा एम्पायर छोड़ा है कि आप जहाँ पे भी देखो तो आपको बस दानिश और दानिश ही दिखाई देगा. किसी के बाल में दिखाई देगा, किसी की बॉडी में दिखाई देगा, किसी के कपड़ों में दिखाई देगा, तो किसी के जैसे कि मेरी आवाज़ में आपको दिखाई देगा. सो उसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है मेरे लिए, आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसकी पूरी आर्मी के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे इन बातों से आपको मिल गया होगा. देन देर इज राहुल साहनी फोटोग्राफी, नंबर ऑफ फोटोज़ आई थिंक सो 12,500 से ज़्यादा फोटोज़ दानिश ने 3 महीने के अंदर क्लिक किए थे, जिसमें से 1.5 महीना तो आई थिंक सो दानिश एसोस स्पेस में ही था. तो आप लोग समझ सकते हो कि वो अपने आप को कितना बिजी रखता था, फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन कितना पर्सनल था उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए, मतलब अपने आप के लिए उसके लिए. सो राहुल भाई बहुत भारी वाला क्वेश्चन आपने पूछा. एंड ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, यार तुम लोग ऐसे अपने टीम में चीटिंग मत करो ना, लोगों को भी चांस मिलना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. एंड आई होप आप लोगों को आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके होंगे. और ऐसे ही हम लोग हर वीक में एक कॉन्टेंट हमारा होगा इंटरेक्शन का, वेर इन मैं सिनेमैटिक नहीं दिखाते हुए, ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए, मतलब बकबक ही कर रहा हूँ, मगर मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं पूरा टाइम आप लोगों के साथ बैठ कर इंटरेक्ट करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि फ्यूचर में हम लोग क्या ला रहे हैं. BTS भी हम लोग ट्राई करेंगे लाने के लिए. सो बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप लोगों को फर्दर देखने मिल जाएगी. सो अगर आप लोगों ने अगर हम लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये हम लोगों की इंस्टाग्राम आईडीज़ है. मैं दानिश की आईडी में भी एक्टिव रहता हूँ, मेरी आईडी में भी एक्टिव रहता हूँ. मैं आप लोगों के मैसेजेस चाहे 4 महीने बाद देखूँ, 6 महीने बाद देखूँ, 6 साल बाद देखूँ, मगर मैं अगर आप लोगों का मैसेज देखता हूँ वो जेन्युइन अगर मैसेज होगा तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा गाइस. सो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करो आप लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को यहाँ पर लक्ष्य चौधरी की एक वीडियो भी दिख रही होगी, तो उसको जाकर प्लीज़ देखना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है. ये मैसेज एक्चुअली मैं आप लोगों को देना चाहता था, मगर मैं इतना फोकस्ड नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया के बारे में आज भी इतना नहीं जानता कि मैं आप लोग आकर इतना ज्ञान दूँ. तो लक्ष्य चौधरी की पहली ऐसी कोई वीडियो मुझे लगी कि मुझे शेयर करनी चाहिए, जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी है. मैं आई बटन में भी उसकी वीडियो डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना, समझना, बिकॉज ये इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो लोग इस चीज़ को सोचे, समझे और उन्हीं लोगों को देखे जिनसे उनको कुछ सीखने मिले. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. मेरा गूस बम्स वाला वीडियो ज़रूर देखना, वो ट्रैविस स्कॉट से इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने बनाया. 100% वो क्वालिटी तो हम लोग दे नहीं पाए, बट आई एम श्योर आप लोगों को 1% एटलीस्ट उस क्वालिटी को मैच करने से वो वीडियो लगे अच्छी तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छी लगे तो उसको डिसलाइक करके जाना. कमेंट बताना कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसी और वीडियोस लानी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फला फिल लगी आठ आपको कैसी लगी. एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कभी ऐसा भीख मांगना पसंद नहीं करता, मगर मैं लास्ट टू लास्ट ज़्यादा आप लोग यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक और एक चैनल है गुफरान जहन, जहाँ पर वो ट्रैविस स्कॉट की वीडियो, उसको जाकर देखना, सब्सक्राइब करना एंड जो भी है जैसे भी है बताना. सो थोड़ा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैम ब्रो फॉरएवर एंड पीस. Ouch. So guys, I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, make sure. So wahi, fam bro, what's up, fam bro. So guys, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए. सो आई होप तुम लोग वीडियो देखने मज़ा आ रही होगी, और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए. सो वही, सो गाइज आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, बाय फैम ब्रो.